आज के समय पर मुझे जो दिखता है वो सीएससी बीएलई भाइयों का धंधा सबसे ज्यादा चौपट दिखता है, क्योंकि जो दिनेश त्यागी जी थे उन्होंने भी सीएससी को छोड़ दिया और सीएससी में बहुत सारे बदलाव आए, जिस वजह से क्या हुआ कि सीएससी बीएलई भाइयों की कमाई बहुत ही ज्यादा डाउन हो गई। लेकिन उसी जगह कुछ सीएससी बीएलई भाई ऐसी हैं जो महीने का अच्छा खासा पैसा कमा रही हैं, और कैसे कमा रही हैं, क्या चीज कर रहे हैं, तो वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और आपको पहले ये बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को सिर्फ वही लोग देखें जिनके पास बीच में दो चार घंटे का टाइम होता है, दो घंटे ढाई घंटे का टाइम मिल जाता है उन्हें दिन में, क्योंकि सीएससी सेंटर पर इतने लोग नहीं आ रहे, दो ढाई घंटे का टाइम है, तो आप लोग महीने के 30-40 हजार रुपए आसानी से कमा सकते हैं उस 2-3 घंटे को लेकर। और उसके लिए आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने ही लैपटॉप पर आपको काम करना होगा और अच्छा खासा पैसा आप लोग कमा सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे YouTube पर वीडियो डालते हैं सीएससी के बारे में, लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी, उनकी एक वेबसाइट भी होती है और उस वेबसाइट पर वो सीएससी के बारे में बताते हैं, सीएससी की स्कीम के बारे में बताते हैं, इंश्योरेंस के बारे में बताते हैं, बैंकिंग सर्विस के बारे में बताते हैं, कोई नई सुविधा आती है तो उसके बारे में बताते हैं, गवर्नमेंट की कोई नई योजना आती है तो उसके बारे में वहां पे आर्टिकल डालते हैं, और क्या करते हैं वो लोग वीडियो बनाते हैं और वीडियो में बोल देते हैं कि आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा गूगल से भी लोग सर्च करते हैं कि सरकार की ये क्या स्कीम है, आयुष्मान स्कीम क्या है, तो गूगल में भी आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट मिल जाती है, ब्लॉग मिल जाते हैं, जहां पे जाके आप उनको पढ़ते हो और आपको पूरी जानकारी हासिल हो जाती है। बहुत सारे केस में पता चला है कि 90% जो सीएससी बीएलई भाई है उनकी वो वेबसाइट है जो सरकारी स्कीम के बारे में जानकारी देते हैं या सीएससी सेंटर को चला रहे हैं उनकी वो वेबसाइट होती है। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आप लोग अपनी खुद की वेबसाइट किस तरीके से शुरू कर सकते हैं और उस पर सीएससी से रिलेटेड, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड आर्टिकल डाल के कैसे महीने के लाखों रुपए आसानी से आप लोग कमा सकते हैं। यानी कि ये काम आपके फील्ड का ही रहेगा, आप जो काम कर रहे हो कंप्यूटर पर उसी से रिलेटेड रहेगा। डेली एक आर्टिकल अपनी वेबसाइट अपने ब्लॉग पर डाल दीजिए, आपकी महीने की अच्छी खासी कमाई होना शुरू हो जाएगी। और कहां कहां से कमाई होगी वो भी बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद 2-3 वेबसाइट चला रहा हूं तो मुझे इसका अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए आज की इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि हमें वेबसाइट बनानी क्यों चाहिए। तो दोस्तों सीएससी बीएलई भाई हैं मोस्टली आराम से फ्री बैठे रहते हैं, और फ्री बैठे रहते हैं तो वैसी मूवी देखते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं और अपना टाइम पास सीएससी के माध्यम से करते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि कुछ महीने तो ऐसे गुजारा हो जाता है, लेकिन उसके बाद एक नौबत ऐसी आती है कि आप लोग सोचने लगते हो कि भाई अब तो सीएससी चलने वाला नहीं है, हमारा सेंटर नहीं चल रहा, तो किराया देने से क्या हो रहा है, इसे बंद करके अपने घर पर बैठते हैं। उसी जगह बहुत सारे सीएससी बीएलई भाई क्या कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट बना के काम कर रहे हैं और महीने के 50,000-40,000 कमा रहे हैं। अब सीएससी सेंटर चले या ना चले, उनके जो आर्टिकल उन्होंने लिख दिया वो जिंदगी भर चलेगा और जिंदगी भर उनकी पैसिव इनकम होती रहेगी। यानी कि उन्होंने एक बार मेहनत की 4-6 महीने साल भर और वो आर्टिकल लगातार चलते रहते हैं, लोग देखते रहते हैं और उनकी अच्छी खासी इनकम होती रहती है। अब भाई वेबसाइट और ब्लॉग की बात आ रही है कि बना के कमाई कर सकते हैं, लेकिन कमाई होती कैसे है उसकी भी बात करते हैं। तो दोस्तों आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, आपने कोई टॉपिक सर्च किया कि आधार कार्ड में करेक्शन कैसे करें, आपको बहुत सारे वेबसाइट और ब्लॉग दिख जाते हैं, आप उन पे जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं, वहाँ पे लिखा होता है, फिर बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं, विज्ञापन दिखते हैं, तो उन्हीं विज्ञापन का पैसा उनको मिलता है जो आर्टिकल लिखते हैं, जिनकी वेबसाइट होती है, जो वेबसाइट के मालिक होते हैं। तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं और उन एडवर्टाइजमेंट पर आप क्लिक करते हो तो उनको अच्छी खासी कमाई होती है। अब भाई कमाई की बात आ रही है कि यहाँ से कमाई होती है तो कितनी कमाई होती है, यानी कि 100 लोग अगर हमारे ब्लॉग को पढ़ने आते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट करने आते हैं तो हमारी कितनी कमाई होती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर 200-250 लोग भी विजिट करने के लिए आते हैं तो 80-90 रुपए की कमाई हमारी वहां से हो जाती है। अगर हमारी सीएससी के टॉपिक पर वीडियो, गवर्नमेंट स्कीम के टॉपिक पर वीडियो, तो 250-300 व्यूअर आने पर 250-300 लोग विजिट करते हैं तो आपकी कमाई आराम से 80-100 रुपए हो जाती है। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 250-300 आएंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी ब्लॉग पर, वेबसाइट पर अच्छे आर्टिकल हैं और 10-20 आर्टिकल भी पड़े हुए हैं तो पर डे के 2,000-2,500 व्यूअर्स आपकी वेबसाइट पर, आपके ब्लॉग पर आना शुरू हो जाएंगे, जिससे आपकी पर डे की 400-500 रुपए की कमाई आसानी से होना भी शुरू हो जाएगी। तो ये तो रही कमाई की बात, लेकिन क्या कमाई का जरिया सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन नहीं है, इसके अलावा आप अपनी वेबसाइट के माध्यम से अलग अलग तरीके से कमाई कर सकते हैं। जैसे आप बहुत सारे एप्लीकेशन के बारे में आर्टिकल लिख सकते हैं और वहां से रेफर लिंक देंगे, रेफर से पैसे कमा सकते हैं। तीसरा आप एफिलिएट लिंक दे सकते हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं,
भी सीएससी के लिए ये प्रोडक्ट सबसे बढ़िया है, ये फिंगरप्रिंट डिवाइस सबसे बढ़िया है, बढ़िया आर्टिकल लिखी है और उसमें बाय नाउ लिंक दे दीजिए और उसमें अपने एफिलिएट लिंक डाल दीजिए। यानी कि एफिलिएट लिंक के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। तो एफिलिएट लिंक दोगे तो एक एक सेल पर आपको 15%, 18%, 12% ऐसे कमीशन मिलेगा, तो आप वहां से भी कमा सकते हैं। यानी कि ब्लॉग के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के, तो आप लोग वहां से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब भाई बात आती है कि वेबसाइट बनाएं तो बनाएं कैसे। सीएससी वाली भाई वेबसाइट बनाना तो जानते होंगे, यूट्यूब पर वीडियो भी पड़ी होंगी तो वहां से देख के भी बना सकते हैं, लेकिन बेसिकली आपको मैं समझाता हूं कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। दोस्तों वेबसाइट बनाने के दो तरीके हैं, एक है फ्री तरीका, एक है पेड तरीका। यानी कि फ्री तरीका क्या है और पेड तरीका क्या है वो भी बताता हूं। फ्री तरीका है कि एक गूगल की वेबसाइट है जिसका नाम है blogspot.com। blogspot.com पर आप जा सकते हैं और फ्री में अपना ब्लॉग बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। इसके अलावा पेड तरीका है कि आप कस्टम डोमेन लगा के वर्डप्रेस पर एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें आपका थोड़ा खर्चा होगा 1,000-1,200 रुपए का, तो आप वहां से 1,000-1,200 रुपए खर्च करके भी बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सीएससी वाली भाई ये चाहेंगे कि हमें अभी वेबसाइट में इतनी माथा पच्ची नहीं करनी बनाने में, तो कहीं से हम बनवा लें तो कैसा रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कहीं पर वेबसाइट बनवाने के लिए जाओगे तो वो बहुत ही ज्यादा आपसे चार्ज करते हैं, 6,000-7,000 रुपए मांगते हैं। यानी 5,000 रुपए तो मिनिमम आपके लेंगे ही वेबसाइट बनाने के। तो मैंने सोचा कि देखो हम तो वेबसाइट एप्लीकेशन ये टेक्निकल काम करते ही है, तो आप लोग हमसे भी अपनी वेबसाइट बनवा सकते हैं और हम भी आपकी वेबसाइट बना के दे सकते हैं। अब आप किस किस तरह की वेबसाइट बनवा सकते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। आप बनवा सकते हैं वेबसाइट जैसे जॉब्स के बारे में बनवा सकते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स आ रही हैं, कौन से रिजल्ट आ रहे हैं, नई वैकेंसी कौन सी निकल रही है, उस टाइप की बनवा सकते हैं। दूसरी सीएससी स्कीम के बारे में बता सकते हैं, कौन कौन सी स्कीम है, गवर्नमेंट कौन सी स्कीम ला रही है, सीएससी में कौन कौन सी चीज़ें वो आप बनवा सकते हैं। इसके अलावा आप न्यूज वेबसाइट भी बनवा सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन आप फ्री रहते हो, खबरें देखते रहते हो, तो आप अपनी खुद की भी न्यूज वेबसाइट बनवा सकते हैं। यानी कि किसी भी तरह की वेबसाइट बनवाइए और डेली उस पर आर्टिकल वगैरह पोस्ट करिए और वहां पर जितने ज़्यादा विजिटर्स आएंगे उतनी ज्यादा आपकी कमाई होगी। अब भाई आप हमसे बनवाओगे तो हम कितने रुपए लेंगे, तो दोस्तों हम आपसे लेंगे 3,000 रुपए और 3,000 रुपए में आपकी एकदम प्रोफेशनल वेबसाइट बना के देंगे। डोमेन होगा जो .com वाला नाम होगा वो भी हम ही खरीद के देंगे, आपको उसके लिए खर्चा नहीं करना। यानी कि टोटल आपको 3,000 देने हैं, आपकी प्रोफेशनल वेबसाइट 3 दिन के अंदर रेडी करके आपको प्रोवाइड कर देंगे और आप उससे अच्छी खासी कमाई करोगे। कोई आपको हेल्प चाहिए होगी इन फ्यूचर तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, हम हर चीज में आपको गाइड करेंगे। तो आप अपनी वेबसाइट बनवाने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और लिख देना कि मैं सीएससी बीएलई भाई हूं, मेरा सीएससी सेंटर है और मुझे वेबसाइट बनवानी है। सीएससी सेंटर है या सीएससी बीएलई भाई हो ये बोलोगे, जब भी मुझे पता चलेगा तभी आपको 3,000 रुपए की वो वेबसाइट मिल पाएगी बनने के बाद। और अदरवाइज दूसरे लोगों के लिए हम 5,000 रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन हमने भी सीएससी सेंटर चलाया है और आप लोगों के लिए जो प्लान रखूंगा वो डिस्काउंटेड रेट पे ही रखूंगा, तो आप लोग ये जरूर बोलना कि हम सीएससी बीएलई भाई हैं तो हमें अपनी वेबसाइट बनवानी है। और कैसी वेबसाइट बनवानी है वो आप मैसेज कर देना, न्यूज वेबसाइट बनवानी है, रिजल्ट वगैरह नौकरी से रिलेटेड वेबसाइट बनवानी है, आपको सीएससी से रिलेटेड वेबसाइट बनवानी है और आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी वेबसाइट बनवा सकती हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कॉन्टैक्ट करिए, हम आपका वेट करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिल सके। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।